नमस्कार बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके हैं। कक्षा 12 के हिंदी विषय के संस्कृत खंड का प्रथम अध्याय लेकर, प्रथम अध्याय भोजस्य औदार्यम, जिसका अर्थ है भोज की उदारता। इस अध्याय के संपूर्ण अवतरण का हिंदी अनुवाद हम क्रम से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके पहले कक्षा 12 के हिंदी विषय के ही काव्य खंड के प्रथम अध्याय को व्याख्या के रूप में हमने कुछ छंदों को आपके बीच साझा किया था। पुनः फिर हम उसके आगे के क्रम को पूरा करेंगे और धीरे धीरे आप तक हम गद्य खंड, काव्य खंड एवं संस्कृत खंड और साथ ही व्याकरण खंड, कहानी, नाटक, इन सब की संपूर्ण व्याख्या वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब ये प्रथम अध्याय भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता, इसका अनुवाद आप हिंदी में अनुवाद समझिए। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। ततः तत्पश्चात, तब भी कहा जा सकता है, तब, तत्पश्चात, कदाचित, कभी, द्वारपाल आगत्य आकर महाराजं भोजं प्राह माने बोला, कहा। तत्पश्चात कभी द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपीन अवशेषो, यहाँ देखिए दीर्घ संधि है, कौपीन अवशेषो, कौपीन माने लंगोटी, अवशेष का अर्थ है केवल, मात्र, कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते, वर्तते माने है, हे महाराज लंगोटी मात्र पहने विद्वान द्वार पर है, इति ऐसा बोला। तत्पश्चात कभी द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला, देव अर्थात महाराज लगोटी मात्र पहने विद्वान द्वार पर खड़ा है, राजा प्रवेशय इति प्राह, राजा बोले प्रवेशय अर्थात प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट सह कवि, तत्पश्चात प्रविष्ट प्रवेश किया हुआ, आया हुआ, सह कवि वह कवि, भोजम आलोक्य, यहाँ भी दीर्घ संधि है, भोजम आलोक्य, दो शब्द जुड़े हुए हैं, भोजम आलोक्य, आलोक्य माने देखना, भोज को देखकर, अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्यति, अब मेरी दरिद्रता का नाश होगा, इति मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रुणि मुमोच, इति मत्वा ऐसा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्ष अश्रुणि मुमोच, हर्ष के आंसू छोड़ने लगा, मुमोच माने छोड़ना, गिराना, हर्ष अश्रुणि आंसू छोड़ने लगा अर्थात आंसू गिराने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा उसे देखकर बोला, कवि किम रोदिशि, कवि क्यों रो रहे हो। ततः कविराह, तत्पश्चात कबीर आह, कवि आह, आह माने बोलना, आह माने दुख में बोलना, तत्पश्चात कवि दुख भरी वाणी में बोला,
राजन आकर्णय मद गृहम स्थितम। आकर्णय माने सुनो, राजन आकर्णय मद गृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति को सुनो। राजन मेरे घर की स्थिति को सुनो। पुनः एक बार और आप लोग ध्यान दीजिए अनुवाद पर, संस्कृत है, संस्कृत पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा कठिनाई से समझ में आता है, कुछ कठिन शब्दों पर भी ध्यान देते रहिए, सारे शब्दों पर ध्यान दीजिए संस्कृत के। तब कदाचित द्वारपाल, कभी द्वारपाल आगत्य आकर महाराजम भोजम प्रा, महाराज भोज से बोला, देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारे वर्तते, महाराज लगोटी मात्र पहने विद्वान द्वार पर है। राजा प्रवेश इति प्राह, राजा प्रवेश कराओ ऐसा बोले। तत प्रविष्ट सह कवि, तब प्रवेश किया हुआ अर्थात आया हुआ वह कवि, भोजम आलोक्य भोज को देखकर, अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति मत्वा, अब मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा मानकर तुष्टो संतुष्ट हुआ, हर्ष अश्रुणि मुमोच संतुष्ट होकर प्रसन्नता के कारण आंसू छोड़ने लगा, अर्थात आंसू गिराने लगा, उसके आँखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राजा तम आलोक की प्राह, राजा उसे देखकर बोला, कवि किम रोदिति इति, कवि क्यों रो रहे हो ऐसा बोला। कविराह, कवि दुख में बोला, राजन आकर्णय मद गृह स्थितम, राजन मेरे घर की स्थिति को सुनो।